आज हम लोग शुरू करेंगे भाग पांच पार्ट फाइव संघ द यूनियन। इसका पहला चैप्टर कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में पहला हमारा टॉपिक होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालिए भाग पांच अध्याय एक संघ की कार्यपालिका, पार्ट फाइव चैप्टर फर्स्ट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। ठीक है, उसके नीचे हेडिंग डालिए राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट। आज हम राष्ट्रपति पर अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, इसमें सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। बावन की हेडिंग क्या है? भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस अनुच्छेद से हमें यह पता लगता है कि भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, और दूसरी चीज भारत में कितने राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति होगा। आगे जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पे हम लोग बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि पद की संख्या से मत मूल्य का निर्धारण होता है। वोट वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम पदों की संख्या की गिनती भी लेते हैं स्मॉल एन से। तो इसलिए आर्टिकल 52 बताता है कि हमारे यहां कितने राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 52 के बाद हेडिंग डालिए आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 की हेडिंग है संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति। सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग, जुड़ते रहिए आप लोग, आते रहिए। आज आपके समाचार चैनलों पे एक दुर्घटना की खबर चल रही है जिसमें दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार करके जो पुलिस ला रही थी उस पुलिस की गाड़ी एक्सीडेंट में पलट गई और अपराधी ने बगल में बैठे दरोगा जी की पिस्तल लेकर भागने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में उस अपराधी को गोलियां लग गईं। अस्पताल ले जाते हुए उसे मृत घोषित कर दिया गया है। और विकास दुबे नामक वो दुर्दांत अपराधी था जिसको कल उज्जैन में गिरफ्तार किया था, क्लास में तुम लोगों ने खबर दी थी, और आज सुबह 24 घंटे होने से पहले रोड एक्सीडेंट एक कारण बना और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का गोली लगने से, गलती से पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। इसके पीछे कोई गेम नहीं है बेटा। सोशल मीडिया पर बोलते हुए मैं भी यही कहूंगा, कोई गेम नहीं है इसके पीछे, बस वो एक दुर्घटना थी। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि दुर्घटना की भी खबर आप हंसते हुए देते हैं, या दुर्घटना पे किसी की मौत की बात भी आपको हंसी लगती है। कोई भी भारत में ऐसा नहीं था जो उसकी मौत नहीं चाहता था। तो साध्य तय था, साधन निर्धारित होना था। भारत का हर सभ्य व्यक्ति, भारत का हर सभ्य नागरिक दुर्दांत विकास दुबे की मौत चाहता था। तो ऑब्जेक्टिव तो सबका क्लियर था, लक्ष्य तो सबका तय था, एक ही था, विकास दुबे की मौत। लेकिन वो मौत होगी कैसे, वो मौत कैसे आएगी, इसको लेके लोगों के मन में शंका थी। और अब ये तय हो गया कि उसका कारण एक रोड एक्सीडेंट बन गया, एक गाड़ी पलट गई एसटीएफ की जिसमें लाया जा रहा था,
और उसने तत्काल रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश की। हाँ, यही फैज मैं बता रहा हूं कि साध्य तय था, ऑब्जेक्टिव क्लियर था, सबकी इच्छा तय थी कि उसको मौत मिले, बस साधन क्या होगा इस पे विचार था। और वो साधन अब सबके सामने है कि रोड एक्सीडेंट के कारण, रिवॉल्वर छीन के भागने के कारण, पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से उसकी मौत हो गई। ठीक, लगातार पुलिस से लोग रिवॉल्वर छीन ले रहे हैं, पुलिस इतनी कमजोर हो गई लग रहा है। कानपुर में 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, तब से पुलिस वाले इतने कमजोर हो गए बेचारे कि हर कोई अपराधी उनकी रिवॉल्वर छीन के भागने की कोशिश करता है। प्रभात मिश्रा को फरीदाबाद से गिरफ्तार करके लाए कानपुर में, आके वो भी रिवॉल्वर छीन के भागने लगा। पुलिस वालों की फिजिकल ट्रेनिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि कोई अपराधी उनसे रिवॉल्वर न छीन पाए। नहीं बेटा, ये तो सिर्फ विपक्ष की बकवास है कि किस किस की संलिप्तता थी। किसी की भी संलिप्तता किसी के नाम ले देने से तय नहीं होती, संलिप्तता साक्ष्यों से तय होती है। और साक्ष्य विकास दुबे के पहले भी आप जुटा सकते थे और विकास दुबे के बाद भी जुटा सकते हो। ठीक है गुलशन जैदी, ये सिर्फ राजनीतिक विपक्षी दलों का रंडी रोना है कि उसको मार दिया गया इसलिए क्योंकि भेद न खुल जाए। किसी के मौखिक बयान देने से कोई भेद नहीं खुलता है। ऐसे तो अभी तुम मेरे ऊपर आरोप लगा दो कि मैं विकास दुबे का सहयोगी था, या विकास दुबे मेरा नाम ले दें कि डॉक्टर केवी त्रिपाठी मेरे सहयोगी थे तो मैं सहयोगी हो जाऊंगा? नहीं हो जाऊंगा। उसके लिए साक्ष्य चाहिए होंगे, और वो साक्ष्य आप विकास दुबे के जिंदा रहते भी जुटा सकते थे और मरने के बाद भी जुटा सकते हो। तो गुलशन बेटा, तुमसे ये उम्मीद करता हूं कि हमसे पढ़ लिख रहे हो तो जो फर्जी की बातें हैं उन्हें नहीं, हकीकत को दिल में समझो। कहने के लिए भले ही कुछ कहो, अगर जो आप कांग्रेस में हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, तो आपके पास कहने को और कुछ भी नहीं है, तो आप यही कहोगे कि राज न खुल जाए इसलिए मार दिया, क्योंकि यूपी पुलिस इस पे ताल ठोकेगी कि हमने मार दिया। ठीक, लेकिन हकीकत यह है कि अगर जो राज खोलने होंगे और संलिप्तता का मामला होगा तो उसके लिए जिंदा रखने की उसको कोई जरूरत नहीं थी, वो तो आप साक्ष्य जुटाइए। सर बहुत अच्छी लॉकडाउन को बोल दिया है जिसका कोई रिलेशन है, प्रोटेस्ट समथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट विकास दुबे। नहीं बेटा, इससे कोई लिंक नहीं है। ये 2 दिन का जो लॉकडाउन किया जा रहा है ये सिर्फ इस बात की कवायद है कि सरकार तय नहीं कर पा रही है कि क्या हो। क्या आपको लगता है कि विकास दुबे के कारण अगेंस्ट प्रोटेस्ट होगा? कतई नहीं होगा, कोई उसका लेना देना नहीं है। हम जाएंगे या तुम जाओगे? विकास दुबे की मृत्यु की खबर हम लोग हंस के शेयर कर रहे हैं, हंसते हुए। अंततः विकास दुबे कुछ भी हो, अपराधी था या नहीं था, मेरी बात इस पे नहीं है। कोई नहीं बेटा, न्यायपालिका का महत्व कम हो रहा है। ठीक, न्यायपालिका का महत्व कतई कम नहीं हो रहा है, इस ये सिर्फ विपक्षी स्टेटमेंट तुम लोग रख रहे हो। लोग न्यायपालिका में अभी भी विश्वास करेंगे, लेकिन हां, अपराधियों के लिए न्यायपालिका जो कवच की तरह खड़ी हो जाती है उस पर रोक लगेगी। ठीक है, हाँ, पुलिस जान के कमजोर हो जाती है, रिवॉल्वर छिन जाती है। हाँ बेटा, ये साहिल तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, ये दरअसल सबके अपने हित हैं। अभी तुम हमसे बात क्यों कर रहे हो? 43 लोग जुड़े हुए हैं हमसे बातचीत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई लाभ है। तुम्हारा क्या लाभ है? कि तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। हमारा क्या लाभ है?
कि हमें तुम लोग यश दोगे, हमें तुम लोग सम्मान दोगे कि मैंने सर आपसे ये बात सीखी थी। ठीक है, तो ये भी हमारा और आपका क्या दोनों का लाभ है। तो इस 21वीं शताब्दी में ही नहीं, जब से आधुनिक दुनिया या मनुष्य की सभ्यता शुरू हुई, हम पीछे तक जा रहे हैं, मनुष्य की आदिम सभ्यता जहां से शुरू होती है वहीं से मनुष्य अपने लाभ के सिद्धांत पर जीता है। मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया था तो अपने लाभ के लिए, शिकार का संग्रह शुरू किया था तो अपने लाभ के लिए, स्थायी आवास बनाने शुरू किए तो अपने लाभ के लिए। तो व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के कारण कुछ कार्य करता है। अपराधी हैं वो अपना लाभ ढूंढते हैं, राजनेता अपना लाभ ढूंढते हैं। आपको ऐसी खबरें मीडिया से मिल रही होंगी, और ये तय भी है कि विकास दुबे जब से फरार हुआ है, उस रात जो घटनाक्रम घटा, क्या उसके बाद लोगों ने उसकी मदद नहीं की होगी? बिना लोगों की मदद के वो यहां तक पहुंच गया, इतना एरिया उसने घूम लिया, इतना सब कर लिया, लोगों की मदद थी उसके पीछे। किन लोगों ने मदद की होगी? जिनको विकास दुबे से लाभ मिला होगा या जिनको भविष्य में विकास दुबे से लाभ मिलने की उम्मीद होगी, उन लोगों ने विकास दुबे की मदद की होगी। अच्छा, अर्पित का एक कमेंट है, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आई लव यू। ये आई लव यू बोल देने से लोग इसके तमाम दूसरे अर्थ निकाल लेते हैं। आई रेस्पेक्ट यू सर लिखा करो, क्योंकि फिर 377 भी परमिट हो गए सर, मतलब दिल खुश हो जाता है। माई क्वेश्चन इज, व्हाट आर कॉमन टर्म्स मेंशन इन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP लाइक जस्टिस? कॉमन टर्म्स बेटा, किस भाषा में शब्द कौन कौन से यूज हुए हैं तो आप उनको याद कर लो, लेकिन सबसे पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तीनों में कॉमन तुम्हें मिलेगी, क्या? जस्टिस एंड इक्वेलिटी। बेसिकली FR, FD और DPSP इक्वेलिटी, जस्टिस एंड फर्टेलिटी की बात करते हैं। लिबर्टी भी एक मुद्दा है लेकिन उसको हम जस्टिस में ही शामिल कर देते हैं। हाँ, स्टूडेंट लिखा था, बढ़िया बात है, मैं तो मजाक कर रहा था, सिर्फ मजा ले रहा हूं। आज इतनी बढ़िया खबर चल रही है विकास दुबे की, तरह तरह की उसकी विवेचना चल रही है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। आप कोई किसी एक हिस्से पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑटोक्रेसी के लिए रास्ता खोलती है। ठीक है, इतनी ही बुराई करनी है इस पूरी घटना की, बाकी इस घटना को यही मानना है कि एक रोड दुर्घटना घटी जिसके कारण विकास दुबे ने दरोगा की रिवॉल्वर छीन ली। हाँ, मजाक में मैं इतना जरूर सोच रहा हूं सुबह से कि ऐसा दरोगा जिसकी रिवॉल्वर इतनी आसानी से छीनी जा सकती थी, उसी को इस पूरे कांड का IO बनाया गया था। दरोगा जी अपनी रिवॉल्वर नहीं संभाल पा रहे हैं, इनको ठीक फिजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, एकेडमी में इनको एक्सरसाइज अच्छे से कराई जानी चाहिए कि अपराधी इनकी रिवॉल्वर न छीन ले। नहीं बेटा, कभी कुछ नहीं आएगा, विकास दुबे के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। विकास दुबे या एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल सर्विस मेंस में कुछ आ सकता है क्या? नहीं आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि राजनीतिक अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, या अपराधियों के साथ पुलिस की जो निपटने की प्रक्रिया है उस पर। बॉलीवुड वेल बहुत खुश है, हम रियलिटी पर मूवी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बॉलीवुड को तो एक बहुत बड़ा मसाला मिल गया, वेब सीरीज की बाढ़ आ जाएगी विकास दुबे पे, कुछ विकास दुबे के नाम से आएंगी इसी प्लॉट पे, कुछ इसी कल्पना के आधार पे वेब सीरीज और फिल्म बन जाएंगी। विकास दुबे आज सबके बहस का तो मुद्दा है ही, हमारी और आपकी भी बातचीत का मुद्दा है। खैर, अब उन्हें छोड़ दो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे जो पूरे इस घटनाक्रम से जुड़े हुए। हम लोग राष्ट्रपति को समझते हैं, अब सारे लोग जुड़ गए, 45 लोग हैं, हम शुरू करते हैं।
पहला हमने बताया कि हेडिंग डलवा दी है, जो कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं मैं वहीं से शुरू कर देता हूं। भाग पांच पार्ट फाइव अध्याय एक, इसकी हेडिंग है द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका, जिसमें सबसे पहले हेडिंग डलवाई है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, उसके बारे में पहला आर्टिकल, भारत का राष्ट्रपति, इसका मतलब है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर 53 अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 की हेडिंग है संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं, दोनों अलग अलग लिख लो। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पूरी लाइन का एक ही मतलब है एक शब्द में, कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी शब्द में क्या लिखा हुआ है, इस संविधान के अनुसार, और इसी संविधान में एक लिखा हुआ है अनुच्छेद 74, 74, और 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और वहीं से ये लाइन आ जाती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेंगे, तो जो सारी कार्यपालिका शक्ति हम राष्ट्रपति में निहित करते हैं वो सारी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। इन दोनों चीजों को जोड़ दो तो बिना कहे ये बात तय हो जाती है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। पूरे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शक्ति प्रधानमंत्री के पास होगी, लेकिन सारी शक्ति पूरे भारत में कार्यपालिका की कौन प्रयोग करता है, प्रधानमंत्री। दी किसको गई संविधान में, राष्ट्रपति को, लेकिन इसकी पटकथा क्या है वो तुम्हें बता रहा हूं। इसी अनुच्छेद में पहले तो लिखा हुआ कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस संविधान के अनुसार से तय हो जाता है कि संविधान के दूसरे अनुच्छेदों के अनुसार, दूसरे अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण, और भी कई अनुच्छेद हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 74, जो ये कह देता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, तो यहीं से सारी शक्ति कहां शिफ्ट हो जाती है, प्रधानमंत्री के पास। तो संपूर्ण संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। इसीलिए इसी व्यवस्था से, यही संसदीय व्यवस्था है जिससे क्या हो जाता है कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था है उसमें वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख। तो भारत में नाम का प्रमुख कौन है, कार्यपालिका शक्ति नाम से कौन यूज होती है, किसके, राष्ट्रपति, आर्टिकल 53.1, क्लियर। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है, तो इसी 53 की दूसरी लाइन की, इस संविधान के अनुसार और 74 जोड़कर वास्तविक शक्ति चली जाती है प्रधानमंत्री के पास। सीधे सीधे तो शक्ति दी गई राष्ट्रपति को, लेकिन वो बाद में शिफ्ट हो जाती है प्रधानमंत्री को। इसीलिए कुछ अच्छा हो तो भी हम मोदी जी की तारीफ करेंगे, कुछ बुरा हो तो ही हम मोदी जी की आलोचना करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जो भारत के प्रथम व्यक्ति हैं, हम उनकी कोई आलोचना नहीं करते। जितने देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां ऐसी ही व्यवस्था होगी, वहां एक नाममात्र का प्रमुख होगा, दूसरा वास्तविक प्रमुख होगा। और जिन भी देशों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा जैसे अमेरिका, वहां पर नाममात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा, उसी की तारीफ, उसी की आलोचना, जैसे आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसी 53 का दूसरा पॉइंट, 53 का सेकेंड पॉइंट,
इसमें क्या है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा विदाउट प्री जुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। महत्वपूर्ण शब्द यही है, क्या महत्वपूर्ण शब्द है, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाई लॉ। ठीक, अब इसको समझ लो, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस लाइन का कोई मतलब नहीं कि पहले पॉइंट में जो बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए भी, कोई अंतर न होते हुए भी, असली बात यहां से क्या कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश द सुप्रीम कमांड, समादेश सबसे बड़ा आदेश, सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगी, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। रेगुलेट कैसे होगी ये पावर, वाई लॉ, और लॉ कहां से करेगा, लॉ यही रेगुलेट कर देगा, वही जो कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार करेंगे, और संविधान कहेगा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री होंगे, तो फिर संघ के बलों का, संघ के बल मतलब सेना, संघ के बलों का सुप्रीम कमांडर वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री होगा और नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति होगा। अभी भी आप चीन और पाकिस्तान या कभी भी बात होती है तो इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है, ठीक, मोदी जी का नाम लिया जाता है, प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि लिखा यहां प्रेसिडेंट ही है, परीक्षा के उत्तर में हम प्रेसिडेंट टिक करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास। ये है 53, हमने काफी डिटेल करके समझा दिया, कुछ क्वेश्चन है शायद, सर दुबे का एडमिशन वो हो गया था, बॉलीवुड हो गया था, सर क्राइम पेट्रोल बनेगा, अरे यार सब बनेगा सर, पॉलिटिक्स में ओनली उनको पद देना चाहिए जिनका करेक्टर अच्छा हो, करेक्टर सबका अच्छा होता है, सत्ता के करीब आते ही सबका करेक्टर खराब हो जाता है। आई रेस्पेक्ट यू, गुड लव इट, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट टीचर, थैंक यू सर। फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट होगा प्लीज बता दो। देखो फाउंडेशन बैच भी हम स्टार्ट करेंगे, हम अपना रेगुलर बैच भी स्टार्ट करेंगे, जो यूट्यूब पे ये क्लास चल रहा है ये हमारा टाइम पास है, मैं इसको पढ़ाई नहीं मान रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसे दौर में मैं अपने को कन्विंस करने में लगा हूँ या ट्रायल कर रहा हूँ कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। मैं ऑनलाइन से बहुत सहमत अभी तक नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब भी ऑफलाइन होगा तभी, लेकिन अगर जो ये पेंडेमिक, ये आपदा बड़ी लंबी खिंचती है तो मे बी जुलाई लास्ट तक हम अपने ऑनलाइन नए बैच स्टार्ट कर देंगे, जिसमें फाउंडेशन बैच भी होगा और जिसमें हमारा पीटी वाला बैच, मेंस वाला बैच, ये सारे बैच हम कंटिन्यू कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर अपने प्लेटफॉर्म पर इनको हम शुरू कर देंगे। जुलाई लास्ट में हम ये निर्णय लेंगे कि किस करवट ऊंट बैठ रहा है, लेकिन इसी बीच हो सकता है जुलाई में ही हम कुछ देश के बड़े संस्थानों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाना शुरू करें, वो हमारा अलग मामला होगा, दूसरों के यहाँ नौकरी करना अलग बात है, लेकिन मेरा अपना पढ़ाना अपने संस्थान के लिए वो जारी रहेगा, और मैं ऑफलाइन का इच्छुक हूँ क्योंकि सामने बैठ के पढ़ाने में मुझे मजा आता है, अगर जो वो नहीं हो पाएगा तो मजबूरी में ऐसा करेंगे, ठीक है सर। अच्छा तुम्हें ऐसा ही लगता है जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो फिर तो ये काम किया जा सकता है कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आ जाए, लेकिन हमें इसमें तकलीफ यही होती है, कभी 137 लोग, 150 लोग और अब 40 लोग, तो ऑनलाइन में हमारा तुम पे नियंत्रण नहीं रह पाता कि जबरदस्ती पढ़ा ले, इसलिए हमें थोड़ा सा ये खराब लगता है। क्लास में रहते हो तो मार पीट लेते हैं, तुम्हें डांट डूंट लेते हैं, मजा आता है, बाकी इस पे ये हो नहीं पाता है इसलिए मजा नहीं आता, लेकिन खैर जुलाई तक हम देख रहे हैं, आज 10 जुलाई हो रही है, हम 5-10 दिन में निर्णय लेने जा रहे हैं, उसके बाद हम ऑनलाइन शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्त। तो ये किशन ठाकुर बच्चे का था, प्लीज बता दो बेटा शुरू करेंगे,
ऑफलाइन शुरू हो रहा होगा अगस्त में तो ऑफलाइन रखेंगे, और अगर जो ऑफलाइन नहीं शुरू हो रहा होगा तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हम अगस्त में शुरू कर देंगे। बस जुलाई जुलाई भर का समय चाह रहा हूं, अगस्त में मैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शुरू कर दूंगा। नो सर, क्लास में आप देखते रहते हो तो पढ़ भी लेते हैं। बिल्कुल फैज, मैं इस पर पूरी तरह से मुतमैन हूं। अगर जो क्लास में मैं 2 घंटे रहता हूं सामने तो तुम फोकस करके पढ़ते हो, घर पे तो मोबाइल नहीं आ, जैसे आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं हो रहा, कल भी आज भी, क्योंकि एक तो तनाव चल रहा है, उस तरह से नींद अच्छी नहीं आ रही है, फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है तो थोड़ा मन खराब रहता है, तो सुबह सुबह इरिटेशन रहता है, कहाँ क्लास पढ़ाने जाएं, कैसे कंप्यूटर पढ़ाएं, स्क्रीन के सामने आना, स्क्रीन से आंखें खराब हो रही, स्क्रीन से ये 1 घंटे पढ़ाने के बाद भी दर्द शुरू हो जाता है। अब पढ़ाएंगे भी तो उसके भी तरीके खोजे गए कि अपनी ही स्क्रीन को हाइड करना रहेगा हमें, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, देखते हैं कि कैसे क्या इसका विकल्प निकलता है। लेकिन अभी चलो आज प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, कल परसों 2 दिन लॉकडाउन है ही, कल परसों तुम्हारा क्लास इसलिए बंद रहेगा कि मैं ऑफिस आऊंगा नहीं, मैं भी 2 दिन आराम करूंगा, मंडे को 13 तारीख को फिर खुल जाएगा तो 13 तारीख को मैं तुम्हारा क्लास लूंगा। ठीक, आज पढ़िए राष्ट्रपति का अगला अनुच्छेद 54। 52-53 से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। फिफ्टी थ्री में हमने 2 बातें बताई, पहले पॉइंट में बताया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, और दूसरे पॉइंट में बताया ये क्या, अमन ने बताया सर ब्लू कट लेंसेज लगवा लीजिए चश्मे में, फोन पे मुझे बता देना बेटा ये क्या होता है, अगर तो कोई अच्छी चीज है तो बता देना सर, फिर से बताइए प्लीज। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था 52 में ये बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, 53 के पहले पॉइंट में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और दूसरे पॉइंट में बताया गया कि द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, सर्वोच्च समादेश की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो पहले पॉइंट में सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई 53(1) में, और 53(2) में सेना की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन ये दोनों शक्तियां वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री प्रयोग करते हैं। अब हेडिंग डालो आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का निर्वाचन। एक एक अनुच्छेद समझाते हुए बढ़ रहा हूं, बहुत धीरे धीरे आराम से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक, इसमें और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 54 में यह बताया गया कि वोट कौन डालेगा, वोटिंग राइट किसके पास होगा, तो इसको शॉर्ट में यही लिख लो, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। शॉर्ट में लिखने के लिए ऑल इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएज, सभी निर्वाचित, यहां अंडरलाइन करने की बात यही है, निर्वाचित। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी मनोनीत सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते, ओनली इलेक्टेड, ओनली निर्वाचित, केवल निर्वाचित। तो निर्वाचित सदस्य और कौन कौन से, लोकसभा LS प्लस RS, राज्यसभा प्लस विधानसभा, ठीक, LA लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी निर्वाचित। बस यहां यह ध्यान रखना कि जहां पे राज्यों की विधानसभा कहा, वहां पे उन राज्यों, उन केंद्र शासित प्रदेशों की भी विधानसभाएं होंगी जहां विधानसभाएं हैं। अभी वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, तो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। अब तीसरा जम्मू कश्मीर को,
यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और वहां भी विधानसभा होगी, तो बाद में जब वहां भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे तो संविधान संशोधन करके उनको भी वोटिंग राइट दे दिया जाएगा। बस ये जरूर ध्यान रखना कि ये 70वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया यूटी की विधानसभाओं को, जब दिल्ली बन गया, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को विधानसभा बनाया गया तब ये पॉइंट जोड़ा गया है। तो आज राज्यों की विधानसभाओं में दोनों केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल हैं। कुल मिला के ये हो गया हमारा आर्टिकल 54। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सब लोग एक बार यस लिख दो। 52, 53, 54, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, परीक्षा के प्रश्न भी सबसे ज्यादा राष्ट्रपति से यहीं से आते हैं। सर अभी नहीं नहीं ऐड है J&K, अभी नहीं नहीं ऐड है J&K। बेटा जम्मू कश्मीर में अभी वोटिंग कहां हुई, विधानसभा कहां बनी, उसको जो हमने जम्मू कश्मीर राज्य था उसको अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए दो केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया, दो यूनियन टेरिटरीज बना दिए। एक टेरिटरी हो गया लद्दाख जो विदाउट असेंबली होगा, और दूसरा यूनियन टेरिटरी हो गया जम्मू एंड कश्मीर। राहुल दुबे, यस सर, बहुत अच्छी तरह से, कहां हो, बहुत अच्छी तरह से क्लास में कभी कभी दिखते हो। यस सर क्लियर, यस सर सबका यस सर आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेडिंग डालो अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत में क्या है इसमें, टोटल इलेक्शन के बारे में। सर MP और MLA के बाद LD से LA या UTLA। अरे बेटा दीप्ति, ऑल एमपीज में क्या आ जाएंगे, सभी सांसद, मतलब RS प्लस LS और MLAs, MLA। एक मिनट, फोन आ गया भाई, फोन कहीं से आम आए हैं उपहार में, इसलिए कोई गेट खटखटा रहा था। आजकल उपहार में इतने आम आ रहे हैं कि लगता है जैसे मैं खास हो गया हूं, और फिर पूरा स्टाफ आम खाता है मजे से कोचिंग में। ठीक, आम आने से पता लगता है कि खास है ना, कितनी बढ़िया बात। चलो फिर आ जाओ राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन में क्या होता है एक एक चीज जान लो, इसको हम पॉइंट पॉइंट समझाते जा रहे हैं, चाहे तो पॉइंट करके लिखते जाना और इसको याद रखना। सबसे पहली चीज कि राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, अगर जो कोई बच्चा बता सके तो कमेंट करे। राष्ट्रपति के इलेक्शन का नोटिफिकेशन कौन करता है, सोच नहीं पा रहे हो, लिख लो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, गुड गौरव। फिर दूसरी चीज, नोटिफिकेशन कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन, ये याद रखना। फिर दूसरी चीज कि राष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा, RO, RO कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी, याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है वह सामान्यतः लोकसभा का महासचिव होता है, लोकसभा का महासचिव। ऑब्लिक लगा के लिख लेना, राज्यसभा का महासचिव भी हो सकता है। ठीक, RO सबसे महत्वपूर्ण पद होता है इलेक्शन के लिए। आप लोगों ने अभी 2019 के चुनाव में देखा था, बनारस जब मोदी जी नॉमिनेशन करने आए थे तो जो DM साहब थे सुरेंद्र सिंह,
बरेली भी डीएम रह चुके हैं, तो वह कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने मोदी जी खड़े होकर उन्हें अपना जो आवेदन पत्र था वो दे रहे थे। ठीक, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है पूरे चुनाव में, तो ये काम कौन करता है? लोकसभा का महासचिव। लेकिन कभी कभी रिटर्निंग ऑफिसर आरओ राज्यसभा के महासचिव को भी बना दिया जाता है। अब ऐसा कोई तुमसे पूछे कि फिर ये तय क्यों नहीं है, तो कह देना कि सामान्यतः लोकसभा का, और यदि सीनियर ज्यादा राज्यसभा का है तो राज्यसभा का बना दिया जाता है। प्रणब मुखर्जी साहब के चुनाव में राज्यसभा के महासचिव आरओ थे, क्यों? क्योंकि वो सीनियर थे। तो लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव दोनों में जो वरिष्ठ होता है, और सामान्यतः लोकसभा का महासचिव वरिष्ठ होता है, तो वो रहता है। और दूसरा यहीं पे बता दे रहा, उपराष्ट्रपति के चुनाव का आरओ अगर जो लोकसभा के महासचिव राष्ट्रपति के हैं तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के हो जाएंगे, अगर जो राज्यसभा के राष्ट्रपति के हैं तो लोकसभा के उपराष्ट्रपति के हो जाएंगे। दोनों को ऐसे आरओ बना दिया जाता है। क्लियर? फिर इसके आगे की बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट के स्थान, मत के स्थान पर मतमूल्य का प्रयोग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मत के स्थान पर मतमूल्य का प्रयोग होता है, वोट नहीं, वोट वैल्यू होती है, वोट वैल्यू। वोट वैल्यू कैसे तय की जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जानते हैं आप लोग? वोट वैल्यू तय की जाती है, सबसे पहले हम सांसद के मत का मूल्य निकालते हैं, एक सांसद के मत का मूल्य निकालते हैं, फिर एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं। और इसको हम किस आधार पर निकालते हैं? तो जनसंख्या के आधार पर निकालते हैं। जनसंख्या किस सन की ली जाती है, ये सब तुम्हारी लक्ष्मीकांत में कहानी दी गई है, हम वहीं से उठा के तुम्हें डिटेल कर रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो अभी 1971 की जनगणना की हम ले रहे हैं। 71 की जनगणना के बाद हमने तय कर रखा था संविधान में कि 2000 के बाद होने वाली जनगणना, 2001 में जब जनगणना होने जा रही थी तो हमने इसको बदल के क्या कर दिया, इसको बदला और इसमें कर दिया कि 25 साल जोड़ दिए, तो 2001 में 25 जोड़े तो 2026, और आज की तारीख में कह दिया कि 2026 के बाद होने वाली जनसंख्या के अंतिम आंकड़े प्रकाशित होने के बाद जो चुनाव होगा वो उनके आधार पर होगा, उससे पहले ये 1971 की ही रहेगी। अब जनसंख्या उसमें यूज की जाती है, तो जनसंख्या यूज करने के लिए जो पहला तरीका निकाला गया है कि तुम्हारी किताब में जिस तरीके से दिया गया उसी तरीके से मैं बता रहा, जिससे ये टेक्निकल मुद्दा तुम्हें समझने में आसानी रहे। वैसे सामान्यतः पहले हम किसका, सांसद का निकालते हैं, फिर हम एक उसका एमएलए का निकालते हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में दिया गया प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। एक विधायक के मत का मूल्य, तुम लोग अपनी लक्ष्मीकांत खोल लेना, उसमें इसी तरह से लिखा हुआ है, यहां से देख लेना, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000। ठीक, अगर जो हम बोर्ड पे तुम्हें लिख के समझाएं तो कैसे समझाएंगे, 1 MLA, ठीक, 1 MLA वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, राज्य की, स्टेट की टोटल पॉपुलेशन, ठीक, कुल जनसंख्या, अच्छा उधर दिखेगा नहीं तुम्हें, इधर लिखे, एक विधायक का
मतमूल बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे, इसमें भाग किसका देते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या गुणे 1/1000। ये हो गया हमारे एक एमएलए के मत का मूल्य। इस एमएलए के मत मूल्य के आधार पर फिर हम एक सांसद का मत मूल्य निकाल देंगे। कैसे निकलता है, एक एमपी वोट वैल्यू इज इक्वल टू सभी ऑल एमएलए वोट वैल्यू टोटल, जितना जितने विधायक, एक विधायक का निकला था फिर देश के सभी विधायक मतलब सभी विधानसभाओं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ठीक, टोटल जितने एमपी हैं उनका भाग दे देते हैं विधायकों के टोटल वोट वैल्यू में, और इस आधार पर हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहां पे सबसे ज्यादा आंकड़ा कहां से निकल के आया, जनसंख्या पॉपुलेशन, और ये हमने बता दी अभी कितनी चल रही है 1971 वाली, अब चेंज कब होगी तो 2026 के बाद होने वाली जनगणना के अंतिम आंकड़े प्रकाशित होने के बाद, तो 1971 2026 की जनसंख्या को आधा, जनसंख्या मतलब हम यहीं पर अगली लाइन निकल के आ जाती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है रोल जनसंख्या का ही, लेकिन हम जिन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उनको चुनते हैं। क्लियर यहां तक, ठीक। अब जो वोट पढ़ते हैं उनका एक बैलेट पेपर दिखा देते हैं। यहां पर जब मतदान होता है तो इधर तो हो गए उम्मीदवार, इधर हो गया मत, आप किसको दोगे, कैंडिडेट ए बी सी डी। तो इसमें जब वोट डालने हम जाते हैं, हम मतलब हमारे एमपी एमएलए, मान के चलो कल को एमपी एमएलए रहेंगे हम लोग तब वोट डालेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय अंकों में वरीयता क्रम से मतदान होता है। ये ध्यान रखना, जहां जहां डायरेक्ट वोट होता है वहां पर बहुल मत प्रणाली का प्रयोग होता है, और जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है अप्रत्यक्ष चयन होता है निर्वाचन होता है वहां वरीयता वोट का प्रयोग होता है। वरीयता वोट क्या होता है वो भी आप जान लो, जो बहुल मत प्रणाली होती है, जो तुम लोग ईवीएम पर वोट डालने जाते हो अपने एमएलए एमपी प्रधान बीडीसी जो चुनते हो, उनमें ये होता है इनमें से जिस कैंडिडेट को पसंद करते हो उसके सामने तुम टिक लगा देते हो, अंगूठा लगा देते हो, बॉट लगा देते हो, बटन दबा देते हो। तो बहुल मत में सिर्फ एक ही मत दिया जाता है, लेकिन जो वरीयता क्रम होता है वरीयता वोट होता है, इस प्रेफरेंस वोट में वरीयता दी जाती है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, अंतरराष्ट्रीय अंकों में वरीयता दी जाती है। आप चाहें तो प्रथम वरीयता वोट ही दें, दूसरी तीसरी चौथी न दें, आप चाहें तो दो दे दें, आप चाहें तीन दे दें, आप चाहें चारों को वोट दे दें। वरीयता वोट देते समय आप चाहें तो किसी कैंडिडेट को निराश न करें, बस आप अपनी चॉइस देते हो, मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, चौथी पसंद, या दो ही है तो पहली पसंद,
चाहो तो दूसरी बताओ, चाहो दूसरी न बताओ। दो हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, तीन में मामला होता है, चार में मामला होता है, ठीक है, और ज्यादा कैंडिडेट भी हो सकते हैं। अब ज्यादा कैंडिडेट न हो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में फिर एक शर्त बढ़ाई गई, लिख लो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 मूवर एंड 50 सक्सेसर, 50 मूवर्स एंड 50 सक्सेसर्स, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अनुमोदक और प्रस्तावक की कहानी 50-50 क्यों की गई? क्योंकि जिससे गंभीर लोग ही चुनाव लड़ सके। कभी भी लोकतंत्र में कोई भी चुनाव होता है तो अनुमोदक और प्रस्तावक वाली कहानी ये रखी जाती है कि जिसमें सामान्यतः लोकतंत्र में कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमें ये पद दे दो, दूसरे कहते हैं कि आप ये पद संभालो। जैसे अगर जो आप बरेली के उदाहरण में देखो तो हमारे आदरणीय संतोष गंगवार जी थोड़े ही चाहते हर बार वो सांसद रहे, आदरणीय संतोष गंगवार जी नहीं चाहते, जो मतदान करने वाले मतदाता हैं इस क्षेत्र के उसमें से दो लोग कहते हैं कि अनुमोदक किसे कहते हैं भाई, समझा रहा हूं सुनो तो, जब संतोष जी आदरणीय श्री संतोष जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जो बरेली क्षेत्र के मतदाता है, मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनमें से दो लोग आते हैं और निवेदन करते हैं संतोष जी से कि आप हमारे सांसद बन जाओ, या धर्मेंद्र कश्यप जी से आप हमारे सांसद बन जाओ, या उमेश गौतम जी से कि आप हमारे मेयर बन जाओ। तो जो मतदान करने वाले लोग हैं, मतदाता हैं, उसमें से दो लोग आके निवेदन करते हैं कि आप हमारे सांसद बन जाओ, और वो फॉर्म पर इस बात के दस्तखत करते हैं कि मैं बरेली संसदीय क्षेत्र से आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी के सांसद का पद के लिए निर्वाचन के लिए अनुप्रस्ताव करता हूं। तो वो हो गए मूवर, प्रस्तावक। और फिर दो मतदाता खड़े होते हैं, उस पर नीचे दस्तखत करते हैं, अपने साइन करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इस प्रस्ताव का कि आदरणीय श्री संतोष जी बरेली संसदीय क्षेत्र के सांसद हों, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो वो दोनों लोग क्या हो गए, अनुमोदक, सक्सेसर, उसको आगे बढ़ाते हैं। मूव कौन किया, दो लोगों ने, उसी को सक्सेस करा दिया। तो मूवर एंड सक्सेसर, प्रस्तावक और अनुमोदक। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालते हैं, एमएलए और एमपी। तो पूरे देश के जितने भी एमएलए और जितने भी एमपी इलेक्टेड हैं उनमें से 50 लोग एक चिट्ठी लिख के नीचे दस्तखत करते हैं कि आदरणीय निर्वाचन अधिकारी फला फला फला, मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में फला 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 पद ग्रहण करें, और इसलिए मैं उनके नाम का प्रस्ताव करता हूं। फिर उस चिट्ठी के बाद दूसरे 50 एमएलए और एमपी ये चिट्ठी लिखते हैं कि मैं जो यह प्रस्ताव किया गया है कि फला 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 ऐसा करें, मैं उस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। जैसे अभी देखोगे 2019 का चुनाव होने से पहले या 2014 का चुनाव होने से पहले पता था प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन 2014 तो चलो अलग बात है, 19 वाला याद कर लो, जब परिणाम आए लोकसभा के और भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, तो भाजपा संसदीय दल की बैठक में आदरणीय राजनाथ सिंह ने नहीं, उस समय आदरणीय अमित शाह जी ने यह प्रस्ताव किया कि मैं
भाजपा संसदीय दल की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं, और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जाके कहा कि मैं अमित शाह जी द्वारा किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। फिर मोदी जी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि मैं आप लोगों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, और तब सदन में तालियां बजी। तो हमारे यहाँ अनुमोदक प्रस्तावक बहुत जरूरी है सर, इसमें पूर्ण बहुमत वाली गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट बन पाएंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, पूर्ण बहुमत वाली गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। राज्यों में अलग अलग सरकारें होती, केंद्र में अलग अलग सरकारें होती, एमपी और एमएलए के वोट से तय होता है जिनके ज्यादा होंगे, फिर कैंडिडेट पे भी मामला हो जाता है। आप पूरी अभी तक की हिस्ट्री आपकी किताब में दी गई, कब कौन कैसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, उसे पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है गुलशन जैदी साहब, किसी को नहीं पता था, लेकिन विधायक दल की बैठक में तय होता है। तो क्या हुआ, सारे लोग जब चुन के आए, विधायक दल की बैठक थी, ठीक है, जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन, ये तो पार्टी के ऊपर है ना कि वो किसको, उसके विधायक किसको अपना नेता चुनते हैं। तो शपथ ग्रहण जिस दिन था उस दिन भाजपा के सभी विधायकों की बैठक थी, और उसमें किसने नाम का प्रस्ताव किया था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्या जी ने प्रस्ताव किया था कि हम सभी विधायकों की तरफ से, नहीं केशव मौर्या जी थे, प्रस्ताव किसने किया था, शायद सतीश महाना जी ने किया था या अपने खन्ना जी ने किया था, कि मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और उस समय वो विधायक भी नहीं थे, वो तो सांसद थे, लेकिन फिर बाकी सदस्यों ने ताली बजा के नहीं, हम लोग समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ बने। तो किसी को भी विधायक दल चुनेगा और प्रधानमंत्री संसदीय दल चुनेगा। हमने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, तुम्हारा अभी चुनाव हुआ मेयर का, तो हमेशा अनुमोदक और प्रस्तावक कहते हैं कि आप ये पद संभालो, तब हमारे माननीय संभालते हैं। ऐसा थोड़े कि वो चिल्ला के आके कहते हैं नहीं नहीं हमें पद दे दो, हमें पद दे दो। दूसरे लोगों के कहने पर, जैसे कहा योगी जी होंगे, फिर दूसरे ने कहा योगी, तब योगी जी उठे। आप सब लोगों के इस सम्मान को, इस कहने को मैं स्वीकार करता हूं और मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हूं। ठीक ऐसे ही मोदी जी ने, थैंक यू आप लोग मुझे बना रहे हो, ऐसे ही संतोष जी, ऐसे ही उमेश गौतम जी कि आप लोग हमें मेयर बना रहे हो। मन से कोई थोड़े बनना चाहता, लोकतंत्र में तो सेवा का पद है, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, आप सेवा करो आप सेवा करो, तो लोग मजबूरी में करते हैं, समझ रहे हो ना। लोकतंत्र में सभी लोग मजबूरी में इन पदों पर सेवा करते हैं, क्योंकि ये लोग जन सेवक होते हैं। ठीक, हमारी भी इच्छा नहीं है कि हम बरेली के सांसद बने, लेकिन जैसे तुम लोग हमारे विद्यार्थी अभी कुछ दिनों बाद नौकरी में रहोगे, अच्छी जगहों पे रहोगे, फिर तुम लोग हमसे निवेदन करोगे, दबाव डालोगे कि सर आप सांसद बनो, तब हम कहेंगे अब आप लोगों की इतनी इच्छा है तो हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ मजबूरी है, मजबूर होते हैं सर, क्योंकि अनुमोदक और प्रस्तावक आप पर प्रेशर बनाते हैं। क्लियर हो गया सबको, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, फिर नाम तय हो जाएगा, फिर आवेदन सही पाए जाएंगे। राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पागल दिवालिया। इसी में एक शर्त होती है, आगे अगले अनुच्छेद में जाएंगे तब बताएंगे कि उम्र और लोकसभा सदस्य चुने जाने की, इसके अलावा वही शर्तें सारी लग जाती हैं। अब जो वोटिंग होती है, इस वोटिंग से काउंटिंग होती है, गुलशन जैदी पीछे पड़ा, नहीं सर आप यहीं ठीक है, आप वहां नहीं जाएंगे। ठीक, अब ये मतदान हो गया, फिर इसमें सबसे पहले प्रथम वरीयता के मत चुने जाते हैं, कितने लोगों ने प्रथम वरीयता वोट दिया है, अगर जो कोटा निर्धारित किया जाएगा। अब ये वोट समझ में आ गया, अब यही कोटा का फार्मूला बता देता हूं। कोटा का फार्मूला क्या होता है, U is equal to capital N upon small n plus 1 plus 1.
ये होता है हमारा कोटा, ठीक। कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है? कुल बैग मत मूल्य, एफ कैपिटल एन क्या होता है? कुल बैग मत मूल्य, ठीक। फिर स्मॉल एन क्या होता है? पदों की संख्या। अब यहां पे राष्ट्रपति के पद कितने तय हैं? एक, कुल वैध मूल्य हमने 1000 मान लिए, माना कि 1000, तो 1+1+1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 501, मतलब आधे से एक ज्यादा। कुल जितना वैध मत मूल्य है उसका आधे से अधिक जिससे मिल जाता है वो जीत जाता है। क्लियर? अब काउंटिंग होगी, अगर जो प्रथम वरीयता में ही एक आदमी को 1000 में से 501 मिल गए तो वो जीत जाएगा। अब आजकल फर्स्ट काउंटिंग ही होती है, क्योंकि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो जाने के कारण ये हो जाता है। ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो अगली हेडिंग है आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 डालिए, आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पदावधि 56। इसको अब हम मंडे को करेंगे, ठीक है। मंडे को इसलिए कि कल हम ऑफिस नहीं आना चाह रहे, कल लॉकडाउन है, परसों लॉकडाउन है, 2 दिन में कोरोना डर के भाग जाएगा। सोमवार को हम लोग फिर क्लास, फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन की तुम लोगों की छुट्टी, मंडे सुबह 10 बजे हम तुम्हें फिर मिलेंगे ऑनलाइन, यहां से या घर से। घर पे रहेंगे तो बोर्ड नहीं होगा पीछे, और यहाँ आएंगे तो बोर्ड रहेगा। 2 दिन बाद हम लोग 56 और राष्ट्रपति आगे, तब तक जो भी प्रश्न होंगे वो बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग मंडे को।